फिर होगा सांझ सवेरा, फिर होगा सांझ सवेरा, फिर सूरज चांद का फेरा, हर आंगन गलियारे में बस एक कमी खलेगी, गंगा कहाँ मिलेगी। सरस्वती का तल बदला है, यमुना जी का जल बदला है, और निकल गई गंगा गोदी से तो किस्मत हाथ मलेगी, गंगा कहाँ मिलेगी। समझ न पाया चाल भगीरथ, हुआ आज कंगाल भगीरथ, मगर मच्छ संसद में बैठा, कैसे माँ बिचरेगी, गंगा कहाँ मिलेगी। आप शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र को नष्ट करने का आशय जानते हैं? इतना भयावह प्रश्न मत पूछिए। तो महादेव के मस्तक से अर्धचंद्र को विनष्ट करने का प्रश्न मत पूछिए। ऐसा प्रश्न सुनकर मेरे अंदर से रूह कांप जा रही है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, सृष्टि का विनाश। महादेव के मस्तक पर चंद्र, वहाँ से अमृत धारा फूटती है, वहाँ से वह मधु तत्व निकलता है, वहाँ से गंगा नहा के निकलती है, तभी वह मधुमयी है, तभी वह अमृतमयी है। अगर वह नहीं रहेगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस तरह का सवाल दोबारा मत पूछिएगा। दुख हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा अभिप्राय ये था कि जो स्वरूप काशी में दिख रहा है गंगा का अर्धचंद्राकार, ये नहर निकालने से जो ये बालू का बहाव होगा, कटान होगा भौगोलिक स्तर से रूप में, वो घाटों पे जाके जम जाएगा, उधर रेगिस्तान हो जाएगा, तो अर्धचंद्राकार स्वरूप तो समाप्त हो जाएगा। और ये जो नहर बन रही है साथ, ये बालू बह करके इधर का स्वरूप ले ले धीरे धीरे, ये ले ले, तो वो जो भौगोलिक स्थिति जिसके लिए काशी जानी जाती है पौराणिक काल से, वैदिक काल से चली जा रही है। अपने इस प्रश्न के लिए आप स्कंद पुराण को पढ़िए, जहाँ इसकी व्याख्या है, जिसे आप ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कोई नया विज्ञान तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगीरथ के पीछे गंगा चली थी तो काशी में प्रवेश करने से पहले एक स्थान है सूलटंकेश्वर, जहाँ गंगा को शिव के गणों ने रोका, क्योंकि गंगा का प्रवाह बहुत तेज था, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको काशी में नहीं प्रवेश करना है, क्योंकि गंगा की अगाध इच्छा थी कि मैं काशी में पहुंचकर शिव के पांव को पखारूं, क्योंकि मैं कैलाश से उनके मस्तक से चली हूँ। तो जब गणों ने रोका तो कहा कि नहीं, मैं आपको इस बेग से नहीं जाने दूंगा। अंततः तीन शर्तें तय हुई कि अपने बेग को कम करेंगी और काशी के क्षेत्र में पलने वाले किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और काशी के तट पर कोई आघात नहीं होगा। गंगा ने बड़े प्रेम से इन तीनों शर्तों को स्वीकार किया और अपने वेग को कम करके, आज भी आप जाकर देखेंगे उसके पास तो आपको विश्व में शायद ही ऐसी कोई नदी मिलेगी जो 90 अंश के कोण पर मुड़ी हो, सीधे मुड़ी है काशी को निहारने के लिए, बाबा विश्वनाथ के पांव को पखारने के लिए, और फिर काशी को पार करके पुनः अपनी मूल गति की तरफ लौट जाती है, दिशा की तरफ लौट जाती है। तो उस स्वरूप को आप अपने बाहुबल के बल पर जो विध्वंस करने की योजना बना रहे हैं, तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। इसमें महादेव और गंगा दोनों कुपित होंगी, और कौन किसका भाजन बनेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यह आने वाला कल तय कर रहा है। बच्चेपन में माँ मुझे एक गीत सुनाई थी, अपने गोद में सुलाकर, राजा भगीरथ लाए गंगा, हो गई कथा पुराने जी, राजा भगीरथ लाए गंगा, हो गई कथा पुराने जी, उनके गंगा से हार तरह, उनके गंगा से हार तरह, इनके गंगा से खेती बारी सजनी।
तो हम तो नहीं देखे थे, हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा था कि गंगा को भगीरथ स्वर्ग से धरती पर उतारे थे, लेकिन आज मैं इस उम्र के 50वें पड़ाव पर यह मैं देख रहा हूँ कि गंगा के बीचों बीच टेक्नोलॉजी कहूँ या पैसे का बल कहूँ या सोच की गिरावट कहूँ, ये आप तय करिएगा, क्योंकि गंगा से हर लोक मानस का संबंध है, लगाव है, गंगा को पूजता है और गंगा से मुक्ति की उम्मीद करता है। गंगा से खेतीबाड़ी की उम्मीद नहीं करता है, वह गंगा से मुक्ति की उम्मीद करता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह यही सोचता है कि मेरे कंठ में गंगा का दो बूंद हो। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ यह बड़ा ऐतिहासिक है, एक दो महीने के अंदर यहाँ कम से कम 200 फीट पानी होगा बाढ़ के समय, और इस समय आप सब लोग जानते हैं कि गंगा के बीचों बीच एक नहर निकाली जा रही है। अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है, सरकारें बैठेंगी, मीटिंग होगी, इसका कुछ नाम तय किया जाएगा। अभी तक जो समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है वह यही ज्ञात हुआ है कि इससे क्रूज निकाला जाएगा, क्रूज के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। भगीरथ गंगा लाए तो स्वर्ग के लिए रास्ता निकाला, और हमारे आधुनिक विकासवादी क्रूज के लिए गंगा के बीच से रास्ता निकाल रहे हैं। परिणाम क्या होगा, यह दोष किसके माथे जाएगा, ये आने वाला कल तय करेगा। अभी हम आप वैज्ञानिक, शास्त्री, वेदज्ञ, राजनीतिक कोई कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न भविष्य के गर्भ में अभी जन्म ले रहा है। हमारे ही पैसे को खर्च करके हमें एन्जॉयमेंट के लिए, पर्यटक को विकसित करने के लिए यह गंगा के बीचों बीच नहर निकाली जा रही है। ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने तीर्थ को विकसित किया है, और आज हम पर्यटन को विकसित कर रहे हैं। किसके लिए? तीर्थ में मुक्ति का विधान था, तीर्थ में अपनी पवित्रता का विधान था, लेकिन पर्यटन में पैसे की व्यवस्था है, पेट पालने का विधान है। पर्यटन बढ़ेगा, आमद आएगी, जिससे हमारा सर्वाइवल होगा, हम जीवित रहेंगे। जीवन तो मुझे मिला ही है प्रकृति के द्वारा, और यह तय है कि प्रकृति ने जितना जीवन हमारे लिए परिभाषित किया है, जो कालखंड, मैं उतना जीऊँगा। न उसे पैटर्न बढ़ा सकता है, न आज की आधुनिक तकनीकी उसे बढ़ाने के लिए। गौ की पूजा थी, गंगा की पूजा थी, गायत्री का जप था, देवताओं की पूजा थी, ईश्वर का मनन था, उससे उम्र बढ़ सकती थी, उससे हम काल की गति को बाधित कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस पड़ाव पर खड़ा हूँ, यह तो तय मानिए इससे काल की गति बाधित नहीं होगी, हम काल कौलित हो सकते हैं। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, यह चेत सिंह किला के लगभग सामने का भाग है, जहाँ से गंगा के बीच में नहर बनाई जा रही है। लगभग हम एकदम बीच नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्माण होते होते बीचों बीच पहुंच जाएगी। यह क्या योजना है यह नहीं पता है, इसे सरकारें तय करेंगी वो क्या चाहती हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें, भारतीय दर्शन की दृष्टि से देखें, मानवता की दृष्टि से देखें, तो यह कतई उचित नहीं है। यह एक पाप कर्म है, और आने वाले कल में किसी बड़ी विभीषिका का द्योतक है, संकेत है। और भौगोलिक स्थिति के बारे में यह आप भली भांत जानते हैं, उसे पुनः जान लीजिए
कि काशी में गंगा अर्धचंद्राकार हुई है, या आप यूँ कहिए काशी में गंगा धनुषाकार है। इस धनुष पर बाण के स्वरूप भगवान शिव का त्रिशूल होता है, जो किसी भी शूल को वेधने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वह स्वरूप बिगड़ रहा है। दूसरी तरफ जहां गंगा बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करती थी, वहां करीब 15-20 बीघे की जमीन पाट दी गई है। पाट करके उस पर भी कुछ विकास कार्य चल रहा है, और यहां पर यह जो नहर खोदी जा रही है, यह काशी में गंगा के संपूर्ण विध्वंस की योजना है। इसे आप विकास तो कतई मत कहिएगा, इसका परिणाम भयावह होगा, भयानक होगा। और अगर ऐसी दशा रही तो गंगा का तट काशी की तरफ जो है, यह पूरी तरह से रेगिस्तान बन जाएगा। आपको बड़ी दूरी तय करके फिर नहर के तट पर आना पड़ेगा, गंगा के तट पर नहीं आना पड़ेगा। जैसा कि पटना में है, हरिद्वार में जैसे आप जाते हैं तो आप वहाँ नहर में दर्शन करते हैं, गंगा की मूल धारा में नहीं, जिसे आज गंगा की नील धारा के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी पैसे के बल पर, तकनीकी के बल पर नहर निकालने के लिए भीम गौड़ा बैराज बनाया गया, जिसके लिए मदन मोहन मालवीय और हमारे देश के तमाम राजा विरोध किए थे। फलतः हमें एक धारा मिली थी अविरल कहने के लिए, वो धारा अविरल नहीं थी, वह तो धारा अविरल नहर में आई है, हर की पैड़ी पर नहीं है, हर की पैड़ी तो कहीं और है। तो इस विकास को अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि यह किस स्थिति में है, और इसका परिणाम तय है कि परिणाम इसका दुखद है, उसे हम आम जनता को भोगना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में इसकी स्थिति को और थोड़ा क्लियर करूंगा। धन्यवाद।